भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये अग्नि ही होती है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को ही भस्म कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पहले स्वयं उसे भी भस्म कर देती है। सदा याद रखना कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से ही प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होगी। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वह आपके सामने भी होगी तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकना नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की मुस्कुराहट की वजह बने या ना बने, किसी के दर्द की वजह कभी भी मत बनना। नैनम छिंद्रंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कलेदे न त्यापे, न शोष्यति मार्ग। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।